हाँ जी, कलकत्ता में तो जहाँ कहीं भी चलाई जाती तो आप प्रश्न करते ये वाणी कल वहाँ क्यों चलाई गई? बंद करो, इसकी आवाज ज्यादा आ रही है। हाँ जी, कलकत्ता जहाँ कहीं भी चलाई जाती तो भी ये प्रश्न पैदा किया जा सकता है, इसका कारण क्या है, वहीं क्यों चलाई गई? आज की वाणी मानसा में ही क्यों चलाई गई? ये नाक आगे ही क्यों रखी गई? ये कान बाजू में ही क्यों बनाए गए? ड्रामा तो भूल गया। और बाबा आज की मुरली में बोला है कि शिव का चित्र रखो और बोलो कि ये शिव बाबा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? बीके वालों ने 32 किरणों वाला चित्र बनाया है ना, तो बाबा ने इशारा दिया कि ये जो 32 गुण दिखाए गए हैं ये बिंदी के गुण होते हैं। यह बिंदी बड़े रूप में प्रवेश करती है तब गुण बनते हैं। तो लाल लाइट का गोला दिखाया गया है जिसमें वो बिंदी प्रवेश की हुई दिखाई गई है। वो लाल लाइट का गोला ये साबित करता है कि वो ज्ञान का प्रकाश मात्र है। अज्ञान नहीं है, अंधकार नहीं है। कि वो साकारी शरीर भी निराकारी स्टेज वाला बन जाता है। जब ऐसी स्टेज धारण करता है तो इंद्रियां जैसे कि हैं ही नहीं, सुनते हुए न सुनना, देखते हुए न देखना, ऐसी स्टेज बन जाती है। तो जो लिंग है वो है साकार की यादगार, बिंदु है निराकार की यादगार। दोनों का मेल होने से वो गुण प्रत्यक्ष होते हैं, नहीं तो निराकार के गुण और अवगुण नहीं होते, वो तो गुणातीत तो होता है। और सत्युग में जो 2 करोड़ आत्माएं होंगी, क्या वो बाहरी धर्म वालों की होंगी या बीके की होंगी? ऐसे ही त्रेता के अंत में जो 10 करोड़ होंगे वो भी कौन सी आत्माएं होंगी? जो 10 करोड़ हैं चाहे 2 करोड़ हैं, उनमें प्रजावर्ग की आत्माएं भी हैं और राज परिवार की भी आत्माएं हैं। यथा राजा तथा प्रजा कहा जाता है। राज परिवार की आत्माएं अगर कन्वर्ट होने वाली होंगी तो प्रजा भी कन्वर्ट होने वाली होगी। अगर राज परिवार में अपने धर्म की पक्की रहने वाली आत्माएं होंगी आदि से अंत तक, तो उनकी प्रजा भी कैसी होगी? अपने धर्म की पक्की होगी। तो ये बात पक्की हो जाती है। कि द्वापर युग से जो आत्माएं आती हैं 10 करोड़ के अलावा, जिनमें 23 करोड़ देवी देवता सनातन धर्म की भी हैं, क्योंकि देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं भी अंत तक आती रहती है, अभी भी आ रही है, परंतु वो भारतीय परंपराओं को फॉलो करने वाली होंगी। उन 33 करोड़ के अलावा जो होंगे वो सब अपने अपने धर्म के पक्के होंगे। ऐसे पक्के होंगे जो कभी भी कन्वर्ट नहीं होते, वो कभी भी देवी देवता सनातन धर्म में नहीं आते, स्वर्ग में भी नहीं आते। तो सतयुग के अंत में, चाहे त्रेता के अंत में, चाहे 2 करोड़ हो, चाहे 10 करोड़ हो, वो देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं ही कही जाएंगी। परंतु उनमें 2 प्रकार के हैं, एक कन्वर्ट होने वाले और दूसरे न कन्वर्ट होने वाले। कन्वर्ट न होने वालों की संख्या बहुत थोड़ी होगी। उनमें भी जो कन्वर्ट नहीं होते हैं वो भी 2 प्रकार के होंगे, एक प्रभावित होने वाले और दूसरे बिल्कुल प्रभावित न होने वाले। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। सूर्यवंशी सूर्य के अलावा और किसी से प्रभावित नहीं होते, और चंद्रवंशी प्रभावित हो जाएंगे। वो पूर्व जन्मों को नहीं मानते हैं और भारतवासी पूर्व जन्म को मानते हैं। तो जो पूर्व जन्म को मानने वाले होंगे वो आत्मा को जल्दी मानेंगे, जल्दी स्वीकार कर लेंगे, या और धर्म वाले जल्दी स्वीकार करेंगे? क्योंकि उनकी बुद्धि में रहता है कि हमने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए हैं तो हमको ऐसी प्राप्ति हुई है। तो कर्म करने में स्वच्छंद कौन हो जाएंगे? विदेशी विधर्मी या स्वदेशी स्वधर्मी? जो विदेशी विधर्मी आत्माएं हैं वो कर्म करने में स्वच्छंद हो जाती है, समझती है इसके बाद तो हमें कोई दूसरा धर्म जन्म मिलेगा ही नहीं, जो चाहो जैसे चाहो वैसे कर्म करो। ये यहाँ भी देखा जाता है। ऐसी विधर्मी और विदेशी आत्माएं भगवान को जानते हुए भी नहीं पहचान पाती और मनमाने कर्म करती हैं, श्रीमत का उल्लंघन करती हैं। बाप की अवज्ञाएं करती हैं, नाफरमानी करती है। ये यहाँ शूटिंग होती है। इसे समझा जाता है कि कौन पुनर्जन्म को मानने वाले हैं और कौन नहीं मानने वाले हैं। और एक मिनट, राम के विदेशियों ने सहयोग किया मतलब दिल्ली में और बाप को प्रोटेस्ट करने में 1976 में जीवित बने, बाद में बाप का विरोध भी किया और बाप के ऊपर मतलब हाथ भी उठाया। किसी ने बोला कि बाहुबली विनाश को प्राप्त होंगे, तो क्या वो सचिव को देता में आते हैं? शूटिंग पीरियड में आ गए कि नहीं आ गए? अगर उन्होंने ऐसे कर्म न किए होते तो और धर्म का बीज कैसे बनते? कितना भारी घाटा हो गया। हैं तो पहलौटी के बच्चे, परंतु प्राप्ति बाद की होती है। उनकी सारी जनरेशन बाद में प्राप्ति करने वाली बनती है। अष्टदेव में आने योग्य थे, फिर क्या हो जाता है? नष्टदेव में चले जाते हैं। माता जी ने पॉइंट है, मेरे सत्य की शहजादियों की आत्माएं जब आती थी वो भविष्य के रूप में प्रैक्टिकल में देखते थे, आज के घाटे के हैं। सत्य की शहजादियों की आत्माएं जब आती थी तो वो भविष्य के रूप प्रैक्टिकल में देखते हुए आश्चर्य खाती थी ना। तो इतने बड़े महाराजे और कार्य क्या कर रहे हैं, विश्व महाराजा और भोजन बना रहे हैं। इसका माता जी बता तो पहले भी दिया है, लेकिन कोई मुरली दे रेगुलर सुनते हैं, कोई नहीं सुनते हैं, फिर बता देते हैं। उस समय जो बोला गया और जो सुनने वाले बैठे थे उनकी हद की बुद्धि थी या बेहद की बुद्धि थी? है हद की बुद्धि थी। जिनकी हद की बुद्धि होगी वो खाना बनाने की बात हद में लेंगे या बेहद में लेंगे? हद में ही लेंगे। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। और बेहद का बाप आत्माओं का बाप है या देहों का बाप है? आत्माओं का बाप है। तो आत्मा की बात करेंगे या देह के भोजन की बात करेंगे? आत्मा का भोजन है याद। आत्मा का भोजन क्या है? याद। और याद का भोजन कौन बनाते हैं? है जिसमें शिव बाप प्रवेश करते हैं, उन्हीं के द्वारा याद का भोजन बनता है। याद का भोजन बनाने के लिए निमित्त कौन बनते हैं? बिंदी को निमित्त थोड़े ही कहेंगे। बिंदी कोई साकार में प्रवेश करती है, प्रवेश करके इंद्रियों से कर्म करती कराती है, तब ही तो वो कर्म याद आते हैं। याद कब आती है? आंखों से कुछ देखा हुआ होगा तो याद आएगा, कानों से सुना हुआ होगा तो याद आएगा। कोई भी कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म किया हुआ होगा और सुखदायी होगा तो याद याद जरूर आएगा। तो बाप भी निराकार है, साकार में प्रवेश करते हैं। जिस साकार में प्रवेश करते हैं वो मनुष्य होता है, जानवर होता है, देवता होता है या राक्षस होता है, है? मनुष्य होता है। मनन चिंतन करने वाले को मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य को आकर के देवता बनाते हैं, तो उस मनुष्य से कोई स्पेशल कर्म कराते होंगे। क्या है स्पेशल कर्म जो बहुत याद आता है? बताया है, जो चुल्ह पर सो दिल पर। चूल्हे पर बैठ करके जो खाना बनाता है, उसके हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं, स्वाद आता है तो उसकी याद भी आती है। ये तो बेहद का भोजन है। अंत में ऐसा भोजन खाने के हम ऐसे आदी हो जाएंगे जो बाप के नैनों पर बैठ करके जाएंगे। क्या कहते हैं? तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। तो कितना अच्छा याद का भोजन होगा जो हमको ऐसी ऊंची स्टेज में चढ़ाई देगा। वो स्थूल भोजन भी पवित्र हाथों से बनता है, तो अवस्था ऊंची जाती है या नीची जाती है? ऊंची जाती है। ये तो बेहद का याद का भोजन है। इसे अन्न कहा जाता है। अन्न माने भोजन। नाम पड़ा है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा ने क्या किया है? अन्नपूर्णा ने शंकर को भी अन्न का दान दिया। वो कौन सा अन्न है? है याद का अन्न है। अन्नपूर्णा भी कोई एक नहीं होती है। शास्त्रों में तो ये नाम प्रतीकात्मक है, नंबरवार हैं। कोई सच्चा प्यार करने वाले होते हैं, कोई झूठा प्यार करने वाले होते हैं। प्यार में भी सच्चा और झूठा होता है। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, तो क्या कहेंगे? सच्चा प्यार। और कोई दूसरा भी मिक्स हो गया, फिर तीसरा भी मिक्स हो गया प्यार लेने और देने में। इंद्रियों से ही प्यार लिया और दिया जाता है, तो कैसा प्यार हो गया? है झूठा प्यार हो गया। ऐसे प्यार में एक राधा का ही नाम गाया जाता है 100%। बाकी 100% नहीं गाए जाते। और जब कहते हैं पुरुष, पुरु माने शरीर और स माने शयन करना, शरीर रूपी पुरी में शयन करना, आराम करना। तो शरीर रूपी पुरी में बेआरामी तो सब मनुष्य करते हैं, लेकिन आराम करने वाला विष्णु को दिखाया जाता है। तो वो विष्णु हो गया सत्पुरुष। क्या हो गया? सत्पुरुष। शिव को नहीं कहेंगे पुरुष। वो शरीर रूपी पुरी में आनंद लेता है क्या? है? नहीं लेता है। उसको तो शरीर ही नहीं है, अपना शरीर है ही नहीं, वो तो पराये शरीर में आता है। और फिर बोलता है मुझे आना पड़ता है, मजबूरी है जो मैं पतित तन में आता हूँ, पावन तन में आना मेरे नसीब में नहीं लिखा हुआ। तो सत्पुरुष कोई निराकार को नहीं कहा जाता। किसको कहा जाता है? जो साकार का संपन्न स्वरूप है, सर्वोच्च स्वरूप है, ऐसे आत्मा रूपी पाठधारी को ही सत्पुरुष कहा जाता है। और रामवाली आत्मा और कृष्ण आत्मा क्या विदेश में कभी जन्म लेते हैं या राज्य करते हैं या भ्रमण करते हैं? क्यों नहीं करेंगे? जब रामवाली आत्मा विश्व का मालिक बनती है तो राजा अपने विश्व में चक्कर नहीं काटेगा, अपने राज्य में चक्कर नहीं काटेगा? काटेगा। और बाबा जो प्रवेश करने वाली आत्मा है द्वापर से, जो धर्मपिताएं होते हैं जो आध्यात्म में प्रवेश करते हैं ऊपर से आकर के, वो जो है संगम युग में ज्ञान कब लेते हैं? संगम युग में जो शिव बाबा आते हैं उनका मूल लक्ष्य क्या है? एम ऑब्जेक्ट क्या है? एक कोई बनाना। उनका अहम ऑब्जेक्ट है नई दुनिया की नई राजधानी स्थापन करना। एक के लिए नहीं आते हैं, सारी राजधानी स्थापन करने के लिए आते हैं। और वो राजधानी पहले जन्म की राजधानी होगी या बाद वाले जन्मों की राजधानी होगी? है? पहले जन्म की राजधानी होती है। पहले जन्म की जो राजधानी होती है उसकी जनसंख्या बड़ी लिमिटेड है। कितनी जनसंख्या है? है? वो पहला जन्म है। वो राधा कृष्ण वाली जो जनरेशन है वो स्थापन करता है शिव बाबा। राधा कृष्ण को जन्म देने वाले देहधारी होते हैं या निराकार हेवनली गॉड फादर होता है? निराकार हेवनली गॉड फादर है सत्युग के फर्स्ट जनरेशन को जन्म देने वाला। तो शाकाहारी होंगे, तो शाकाहारी होते हैं। तो फर्स्ट जन्म कौन सा हुआ? जहाँ राजधानी स्थापन करने के लिए बाप आते हैं, बेहद का बाप, आत्माओं का संगम युग है वो। स्वर्णिम संगम युग में टोटल आबादी होती है 4.5 लाख, और 4.5 लाख में भी प्रजा बनाने के लिए एम ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं, या राज परिवार बनाने के लिए एम ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं। राज परिवार तैयार होगा तो प्रजा अपने आप तैयार हो जाएगी। आया समझ में? तो इसको ज्ञान कब मिलेगा? है? उस आत्मा को ज्ञान कब मिलेगा? किस आत्मा को? जो द्वापर में ऊपर से सभी धर्म पिताएं उतरते हैं, जो वो तो क्लियर हो गया ना। 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में। इसका मतलब तुम बच्चे कितने बच्चे होंगे? 4.5 लाख। प्रजावर्ग भी, प्रजावर्ग के पीछे सेवा करने के लिए, प्रजावर्ग के लिए मेहनत करने के लिए बाप आते हैं। कितने बच्चों के पीछे आते हैं मेहनत करने के लिए? जो राजा बच्चे हैं, राजा बच्चे तो 108 ही है। बाबा इसका प्रश्न है, जो धर्म पिता जो ऊपर से आते हैं, जिसमें प्रवेश, समझ गए? तो जो 108 बच्चे हैं और उनका जो परिवार है, वो टोटल मिलाकर के 16,108 हैं। वो 16,108 की गिनती त्रेता के अंत तक चलती है, शूटिंग पीरियड में, ब्रॉड ड्रामा में। और वो तैयार कहाँ होते हैं? किस जन्म में? संगम युग में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2028 तक ये तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने की शूटिंग होती रहेगी। उसके बाद द्वापर युग से नीचे वाली आत्मा वहां आने का तौर तरीका शुरू होगा। 2028 के बाद उसको बिल्कुल, उससे पहले नहीं आ सकते। हाँ रामायण में दिखाते हैं कि अहि रावण राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में ले जाता है। अहि रावण राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में ले जाता है, क्यों लेकर जाता है? बेहद में इसका क्या? पाताल में तो रावण ले ही जाता है। राम और लक्ष्मणों को अहि रावण जो है वो पाताल में ले नहीं जाता है। अभी नीचे गिर रहे हैं कि ऊपर उठ रहे हैं? है? अभी भी सतोप्रधान से तमोप्रधान की ओर बढ़ रहे हैं ना, तो पाताल में जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं? पाताल में जा रहे हैं। और है? माता पिता और सबसे प्रथम माता पिता और गुरु और शिवबाबा में सबसे प्रथम किसका होना चाहिए? हद और बेहद में पहला स्थान किसका होना चाहिए? अरे तुम्हारा ये शरीर है हद, और आत्मा है बेहद। पहला स्थान किसको देंगे? आत्मा को देंगे या शरीर को? आत्मा को। तो इसमें पूछने की क्या बात हुई? माने अभी तक संशय था कि लौकिक माँ बाप को बड़ा स्थान देना चाहिए या बेहद के अलौकिक पारलौकिक माँ बाप को बड़ा स्थान देना चाहिए। वो एक जन्म से कनेक्टेड और वो जन्म जन्मांतर से कनेक्टेड। उनसे एक जन्म का वर्षा मिलता है, वो भी तमोप्रधान जन्म का वर्षा, और बेहद के माँ बाप से बेहद 84 जन्मों का हिसाब किताब बन जाता है। 21 जन्मों का तो बनता ही है, लेकिन 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। तो कौन से माँ बाप को ज्यादा महत्व देना चाहिए? और है हाँ शमशान घाट में दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? इसलिए दिखाते हैं कि वो सारे मनुष्य श्रेष्ठ रूपी झाड़ का बीज है। बीज जब धरणी में बोया जाता है तो वो अपने को धरणी में मिलाकर एक कर देता है कि अलगाव रखता है, एक आकार हो जाता है। इतना प्यार करता है धरणी को। नाम दे दिया है राधा कृष्ण। जो राधा सो कृष्ण, जो कृष्ण सो राधा हो जाती है। बोई बीज जब वृक्ष बड़ा पूरा हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो उसमें से फल निकलता है और फल के अंदर बीज पनपता है। वो बीज पहले पहले वृक्ष से डिटैच हो जाता है। डिटैच होना माने वैराग को प्राप्त होना। आया समझ में? क्या उसका पार्ट है? पहले पहले नंबर में नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनने का, और आत्माएं नंबरवार हैं। सफेद क्यों होता है? हैं? सफेद क्यों होता है? सफेद? सफेद स्पेस। पृथ्वी है गोल, पृथ्वी के चारों ओर है वायुमंडल, हवा का घेराव है। वायुमंडल के चारों ओर ऊपर, वायुमंडल से परे वायु भी नहीं है, पृथ्वी भी नहीं है, पृथ्वी के कण भी नहीं है। उसको कहते हैं स्पेस। कुछ भी नहीं है। है क्या हो जाता है? द्वापर से द्वैत मत होता है। द्वैत माने दूसरे दूसरे धर्म और दूसरे दूसरे राज्य शुरू हो जाते हैं। एक राज्य नहीं रहता, एक धर्म नहीं रहता है। गीता ज्ञान अभी दिया जा रहा है कि द्वापर में दिया जाता है? 460 द्वापर का बताया ना टाइम है, 40-50 वर्ष बताया ना द्वापर का टाइम। तो गीता ज्ञान तब से शुरू हुआ। 50-60 वर्ष द्वापर का बताया गया। गीता ज्ञान तभी से शुरू हुआ है। नाटक चलता है। अरे गीता ज्ञान तो यज्ञ के आदि में ही दिया जा रहा था। गीता पढ़ के सुनाई जाती थी कि नहीं? एकदम सन 36-37 में जब ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दिया गया, उस समय सत्संग में संस्कृत की गीता के अर्थ बताते थे या नहीं बताते थे? तो वही सतो प्रधान स्टेज है जो बाबा कहते हैं पहला पहला धर्मशास्त्र कौन सा है दुनिया में? गीता। ये वेद भी बाद में बने हैं, पहले तो गीता है माई बाप। कहते हैं ना गीता द्वापर में सुनाई है, वो तो मनुष्यों की लिखी हुई गीता है, भगवान की लिखी हुई गीता नहीं है जो द्वापर में सुनाई गई। और दीपावली के दिन में महालक्ष्मी भी पूजा क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर दीपों की अवली तैयार हो जाती है। अवली माने लाइन लग जाती है जगे हुए दीपकों की, माने सभी आत्माएं जग जाती हैं। कैसे जगती हैं? पहले एक बड़ा दीपक जलाया जाता है, उसे कहते हैं धर्मराज का दिया, फिर उससे दूसरे को जगाया जाता है। तो जो दूसरा जगेगा वो सहयोगी विशेष हो गया ना। वो लक्ष्मी और नारायण दोनों मिलकर के महालक्ष्मी बन जाती है। नारायण में भी दो रूप हैं, एक नारायण है जो आत्मिक रूप में पार्ट बजाता है, एक नारायण है जो देवान के रूप में पार्ट बजाता है। कृष्ण वाली आत्मा है देवान के रूप में पार्ट बजाने वाली, राम वाली आत्मा है आत्मिक रूप में पार्ट बजाने वाली। ऐसे ही लक्ष्मी के भी दो रूप हैं, एक है आत्मिक रूप में पार्ट बजाने वाली और दूसरी है देह के रूप में पार्ट बजाने वाली। दोनों मिलते हैं तो महानारायण और महालक्ष्मी कहे जाते हैं, उनकी महानता साबित हो जाती है। और ये जो प्रकृति के पांच तत्व हैं जड़ तत्व, ये चीज जैसे इनको देव बोला जाता है भक्ति मार्ग, जल देव वायु देव अग्नि देव, तो यज्ञ में ये चेतन में भी कोई आत्माएं हैं इसका पार्ट में जाने लगते हैं। तो देव हैं तो देव आत्माएं हैं या देव शरीर हैं, मूर्तियां हैं सिर्फ। जिनकी मूर्तियां हैं उन्होंने कोई पार्ट बजाया होगा ना। पार्ट तो तभी बजाते हैं जब चैतन्य हो। जैसे बाबा गीता में जड़ जड़ तत्व बोला गया, प्रकृति के जड़। जड़त्व का मतलब ये है कि इनकी बुद्धि जड़त्वमयी है। जैसे लक्ष्मी के दो पार्ट बताए अभी, एक गौरी एक काली। काली है जड़त्वमयी और गौरी है चैतन्यमयी। ऐसे ही वो वायु देवता है तो चैतन्य मनुष्य, लेकिन बुद्धि कैसी है? जड़त्वमयी बुद्धि है। पांचों ही देवताएं पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये पांचों के पांचों ही जड़त्वमयी हैं। इसलिए पांचों का संघात प्रकृति माता कहा जाता है। पांचों में मुख्यता है पृथ्वी की, पृथ्वी मुख्य तत्व है। जैसे 5 विकारों में मुख्य विकार काम विकार है, ऐसे ही पृथ्वी में 5 तत्व ज्यादा से ज्यादा तादाद में समाये हुए, परंतु ये जड़त्वमयी हैं। ये प्रकृति ही महाकाली का रूप हो जाती है। पृथ्वी पृथिव्याति पृथुलाति, जो विस्तार का रूप धारण करती है उसे पृथ्वी कहा जाता है, जगत कहा जाता है। भारत को जगत या पृथ्वी नहीं कहेंगे। सभी देश, सभी धर्मखंड जब प्रत्यक्ष होते हैं तब पृथ्वी कही जाती है। ऐसे भी नहीं कि सतयुग में पृथ्वी का रूप था नहीं, था तो, लेकिन जो भी पृथ्वी का रूप था उसका नाम क्या था? हा? भारत। भारत का मतलब ये है, भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला धर्मखंड। क्या ज्ञान की रोशनी थी सतयुग त्रेता में? मैं आत्मा ज्योति स्वरूप। सारे भारतवासी उसी स्टेज में स्थित होते थे, तो वो चैतन्य रूप हो गया। वो पृथ्वी जड़त्व रूप हो गया। जैसे सूरज चांद सितारे जड़ भी हैं, ऐसे ये 5 तत्व जड़ भी हैं तो चैतन्य भी है। ये धरती के सितारे हैं आत्माएं, और वो आसमान के जड़ सितारे हैं। उन जड़ सितारों का मुखिया जड़ सूर्य है, चैतन्य सितारों का मुखिया हीरो पार्टधारी है। वो सात सितारे जड़ हैं, और ये आत्माएं भी पहले पहले चैतन्य होती हैं और तमो प्रधान सृष्टि में जड़त्वमयी बन जाती है। और मरने के बाद में 5 तत्व से नियुक्त शरीर 5 तत्व में मिल जाता है, फिर शेष क्या रह जाता है? फिर शेष क्या रहता है? फिर आगे का जन्म का इच्छा क्यों करता है? 5 तत्व भले 5 तत्व में मिल जाते हैं, लेकिन 5 तत्व के पुतले में रहने वाला कौन है? आत्मा तो रह जाती है ना। तो वो आत्मा पिछले 5 तत्व के पुतले में रहते हुए भी 4 महीने पहले से ही अपना नया पुतला बनाना शुरू कर देती है। मनुष्य शरीर छोड़ता है और शरीर छोड़ने से 4 महीने पहले ही किसी माता के गर्भ में उसका नया पुतला चोला तैयार होने लगता है। संस्कारों के अनुसार चोला तैयार होता है, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार नया चोला तैयार होता है। कोई अंधा पैदा होता है, कोई लंगड़ा पैदा होता है, कोई सरसब्ज पैदा होता है। आया समझ में? और शनि देव है तो देवता, लेकिन देवताओं में भी नंबरवार होते हैं या एक जैसे होते हैं? नंबरवार होते हैं, माने लास्ट किस्म का देवता है जिसे कहीं ठिकाना न मिलता हो, वो उसका सहारा ले सकता है। दोस्ती निभाने में बहुत अव्वल नंबर है। ये उस देवता की विशेषता है। बाकी उसके राज्य में चारों तरफ वायुमंडल हाय हाय त्राह त्राह से भरा रहता है। परंतु उसने भी कुछ न कुछ टाइम के लिए ज्ञान में आने के बाद पवित्रता को धारण किया है, पवित्रता के लिए पुरुषार्थ किया है, इसलिए उसकी भी पूजा होती है। अरे सूर्य को कितने घोड़े दिखाए जाते हैं? 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 7 घोड़े दिखाते हैं। तो घोड़े वो मन बुद्धि रूपी आत्माएं ही हैं। कोई उन घोड़े में कोई कमजोर घोड़ा भी होगा या नहीं होगा? जो धारणा में सबसे कमजोर होता है उसका भी नाम गाया जाता है, है? जो कमजोर होता है वो दूसरों को डराता है अपना प्रभाव पुरस्सर करने के लिए, या जो पावरफुल होगा वो दूसरों को डराएगा। कौन डराता है? जो कमजोर होता है सो डराता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ। बालक तो है, बालक बुद्धि है, माने सतो प्रधान बुद्धि है। बालक को सतो प्रधान कहा जाता है, महात्मा कहा जाता है। हाँ जी, वो तो भक्ति मार्ग में अनेक रूप गाए हुए हैं, कोई एक रूप की बात नहीं है। वो तो बहुरूपी है। बूढ़े के रूप में भी गायन है, तो नौजवान के रूप में भी गायन है, बैगर के रूप में भी गायन है, तो त्रिलोकीनाथ के रूप में भी गायन है, विश्वनाथ के रूप में भी गायन है। जिन जिन रूपों में गायन है उन उन रूपों में पार्ट तो बजाया है। नाम कब पड़ता है? जब वो कोई काम किए हैं तो नाम पड़ गए हैं। और क्या बोल दिया? बाला बालक कोई कहा जाता है, जिसका नाम बाला है उसे बाला कहा जाता है। क्या पूछ रही है? अरे आपके आसपास बैठी हुई लड़कियां ही नहीं सुन पा रही है, मैं क्या सुनूंगा? अरे एक आदमी बोला हाँ हाँ, कब बस में होगा? हाँ, मन को बसने करने के लिए बाबा ने मंत्र बताया है। जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा। ये तन की ताकत जहाँ सारी लगा देंगे, तन की ताकत पति की सेवा में लगा देंगे तो पति ही याद आएगा। बच्चे की सेवा में लगा देंगे तो कौन याद आएगा? बच्चा ही याद आएगा, मन वही लगा रहेगा। ऐसे ही जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। सारी जिंदगी की कमाई कोई व्यक्ति विलायत में कारखाने में डाल दे तो भले वो हिंदुस्तान में रहता है तो उसका मन कहाँ लगा रहेगा? विलायत में ही लगा रहेगा। तो जितना धन कमाया है जिंदगी भर का वो किसके हाथ में सौंप दिया है? अब जिसके हाथ में सौंप दिया है, मेरा 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 बच्चा, मेरा लल्ला, मेरी लल्ली, वो याद आएगा। तो अर्जुन है हम सब नंबरवार अर्जन करने वाले पुरुषार्थ का। उन्होंने प्रश्न किया अर्जुन ने, ये मन बड़ा चंचल है, इसको कैसे कंट्रोल करें? तो बाबा ने बताया कि जहां धन और तन की ताकत लगाएंगे वही मन जाएगा। वही बात गीता में भी बताई है, अभ्यास है तो कौनते है वैराग्येण च गृह्यते। ये देह के संबंधी, ये देह के पदार्थ, इनसे वैराग लाएंगे। वैराग वृत्ति इनसे जागृत होगी तो मन कंट्रोल में आ जाएगा, नहीं तो मन कंट्रोल में आने वाला नहीं है। और अभ्यास करो। हाँ हाँ चार घोड़े कोई दूसरे नहीं है। भगवान जिन घोड़ों की लगाम अपने हाथ में लेते हैं वो चारों ही घोड़े सृष्टि के आदिकाल के वो सफेद घोड़े हैं, सतोप्रधान स्टेज वाले, जिनकी सतोप्रधानता चारों ही मुख्य धर्म में विराजमान है। देवता, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन, इन चार धर्मों के ये चार मुख्य घोड़े हैं। कोई एकदम राइटियस है, कोई एकदम लेफ्टिस्ट है। सनत सनातन सनंदन सनत कुमार इनका नाम दिया है। हनुमान को कौन पुत्र कहा गया ना? है पवन हवा को कहा जाता है। हवा भूत प्रेतों को कहा जाता है। हवा किसको कहा जाता है? हवा ब्यार का असर है इसके ऊपर। माने भूत कोई चीज होती नहीं है, भय का ही भूत होता है। वो भय अगर बुद्धि में से निकल जाए तो भूत भी भाग जाते हैं। ये ब्रह्मा की सोल भूत का रूप धारण कर लेती है, यही हनुमान है। कुंवारी कन्या ने जन्म लिया। अरे कृष्ण के लिए, क्राइस्ट के लिए क्या दिखाते हैं? क्राइस्ट की और कृष्ण की और हनुमान की राशि एक ही दिखा दी है, एक ही चलन दिखाई दी है। तो उनका जीवन चरित्र भी एक जैसा ही रहा होगा ना। क्राइस्ट को भी कहते हैं कन्या से जन्म लिया। तो कन्या से कहीं जन्म होता है क्या? ये मान्यता की बातें हैं। और बाबा में तो आपके मंदिर है ना? है? में बाबा में आपके मंदिर है। कहाँ? कलयुग में बाबा में आपके मंदिर है। हाँ जी, ठीक है। हैं? हाँ हाँ, वो बाल ब्रह्मचारी है। जो बाल ब्रह्मचारी होते हैं वो सन्यासी जैसे होते हैं उनका जीवन। तो सन्यासी संपर्क संसर्ग में नहीं आना चाहते। ये क्या बोल रहे हैं? तो मंदिरों में ना सिंदूर लगा के आए। मंदिरों में? मंदिरों में सुहागन आए विधवा न आए। हाँ, ऐसा कहिए। अभी जो शिव बाबा ने मंदिर स्थापन किए हुए हैं, जो भी मिनी मधुवन बन रहे हैं, जो भी गीता पाठशालाएं तैयार हो रही हैं, उनमें ज्ञान में चलने वाली जो सुहागिने हैं, जिनका पति परमेश्वर शिव बाबा जिंदा है, वो आती हैं, या वो आती हैं जिनका पति परमेश्वर ब्रह्मा बाबा मर चुका है? कौन आती हैं? हैं? जिनका जिंदा है वो ही आती हैं, जिनका मर चुका है वो नहीं आती है। तो परंपरा पड़ गई। बाबा, हाँ जी, सिख धर्म में पुकारते हैं। हाँ, सिख धर्म में पुकारते हैं पवन गुरु पाणी पिता माता तर्क महत देव सरात दोई दाई दाया खेले संकट। अर्थ बताओ। आपने रटा रटाया तो सुना दिया, अब अर्थ भी तो बताओ। अर्थ बाबा बताएंगे। अर्थ बाबा बताएंगे। अरे बाबा सिख धर्म में थोड़ा ही है। बाबा है जो नौ धर्म है मुख्य। हाँ, तो उनमें मुख्य है आदि सनातन देवता धर्म। हाँ जी। और उसमें दूसरे नंबर का धर्म जो श्रेष्ठ कहा जाएगा वो कौन सा होगा? चार ही तो मुख्य धर्म है। देवता धर्म, दूसरे नंबर का इस्लाम धर्म, तीसरे नंबर का बौद्ध धर्म, चौथे नंबर का क्रिश्चियन। मुरली में ये भी बोला गया है कि क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे पर कामी को पतित कहेंगे। तो कौन पतित बनता है? शक्ति क्षीण किसकी होती है? क्रोध आदमी करता है तो चेहरा लाल लाल हो जाता है, आंखें लाल लाल हो जाती है, शरीर की कोई शक्ति क्षीण हो जाती है, हैं? और कामी की तो शक्ति क्षीण हो जाती है। तो पतित कौन बना? पतित माने ऊपर से नीचे गिर जाए। जो शक्ति शस्त्रासार में जानी चाहिए, आत्मा में जानी चाहिए, आत्मिक शक्ति बढ़ानी चाहिए, वो शक्ति, वो कुंडलिनी शक्ति, आत्मिक शक्ति न बढ़ा करके नीचे से निकल जाए, नाली में गिर जाए जाके, उसे कहते हैं पतित हो गई, पतनपना आ गया। तो पतितपना काम विकार से आता है या क्रोध विकार से आता है? काम विकार से आता है।